खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आई एम सनी अग्रवाल, फिल्म मेकर, एक्टर फ्रॉम बॉम्बे। आज मेरी फिल्म ब्लैक ब्लैक मिरर का शूट हो रहा है। एक डिफरेंट टाइप की मूवी है, ट्रांसजेंडर रिवेंज स्टोरी है। मूवी का टाइटल है ब्लैक ब्लैक मिरर। जेनी जैज, शी इज़ अ साउथ एक्ट्रेस, शी इज़ अ वेरी फेमस एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जेनी जैज इस मूवी में लीड कर रही है। आई एम ऑल्सो हैप्पी कि सनी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। और ये स्टोरी कुछ है वो बहुत ही अलग और हटकर है। ये बेसिकली एक रिवेंज स्टोरी है एक ट्रांसजेंडर की लाइफ के ऊपर। बेसिकली जब उसका बॉयफ्रेंड उसको चीट करता है तो क्या बीतती है एक ट्रांसजेंडर के ऊपर, तो उसके ऊपर हमारी फिल्म बेस्ड है ब्लैक ब्लैक मिरर। ये बहुत जल्दी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम इसको रिलीज़ करेंगे। आज हमारी मूवी का शूट हो रहा है। जेनी, आज हमारी मूवी का शूट हो रहा है और आज का मिडिल शूट है ये। वैसे ही ऑलमोस्ट हम लोग ने बहुत काफ़ी कुछ काम किया हुआ है, शूट कंप्लीट हो गई है, बट ये रिसेंटली अभी बस आपको ये न्यूज़ देना है कि भाई हाँ, ये मूवी बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होगी और हमारा काम भी आपको दिखेगा कि ये स्टोरी जो है वो एक नई स्टोरी है। इसमें ये बताया गया है कि एक ट्रांसजेंडर के दिल पर क्या बीतती है। और आम नॉर्मल लड़की का अगर हार्ट ब्रेक होता है तो वो पता चलता है कि भाई हाँ ठीक है लड़की है, बट इसने अपनी जो लाइफ के साथ में जो किया वो क्या किया वो आप देखोगे बहुत जल्दी। आपका किरदार क्या, रोल क्या? मेरा कैरेक्टर इसमें एक ट्रांसजेंडर का है और मैं इसमें डबल कैरेक्टर कर रही हूँ कि आफ्टर एंड बिफोर, कि क्या हूँ मैं, पहले मैं क्या थी और मेरे अफेयर होने के बाद में मैं क्या बन जाती हूँ और देन आफ्टर मैं क्या होती हूँ, तो ये बताया गया। When you heard, when सुना आपने कहानी, कहानी सुनी तो आपके माइंड में क्या क्या रिएक्शन था? ये रिएक्शन जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे ये एक यूनिक लगा, ये स्टोरी बहुत ही हटकर और अलग लगी। कि जैसे ही मुझे सनी ने ये ऑफ़र किया कि हम लोग ये इस पे स्टोरी पे ये स्टोरी है तुम देखो बहुत अच्छी, अगर तुमको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसमें वर्क करने के लिए रेडी हो जाओ, तो मैं मुझे कुछ लगा कि कुछ नया है और हमेशा मैं नया करने की चाहत में रहती हूँ। तो ये स्टोरी आज तक का आपने अब तक कोई मार्केट में देखा नहीं होगा, ना कभी सुना होगा, ये स्टोरी बहुत ही अलग है। कहीं से इंस्पायर स्टोरी है या फिर ये हम बहुत सारे ट्रांसजेंडर को आपने देखा होगा कि उनका बॉयफ्रेंड उन्हें यूज़ करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। हाँ, तो वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक इंसान है हमारी तरह। तो उन ट्रांसजेंडर को ही लेके हमने ये स्टोरी, बहुत सारे ट्रांसजेंडर से मैं लाइफ में मिला तो सब ने आप अपनी स्टोरीज बताई, बॉयफ्रेंड्स मिलते हैं, यूज़ करते हैं, फिर बाद में छोड़ के चले जाते हैं, तो वो क्या बीतती है उसके एक ट्रांसजेंडर के ऊपर, वो भी हमारी तरह एक इंसान है। तो मेन स्टोरी का मुद्दा यही था कि ट्रांसजेंडर भी एक इंसान है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग लाइक अस, उनमें भी एक हार्ट है, एक दिल होता है उन जैसे हम इंसानों में है। एक्चुअल वैसे कि एक मैसेज है पब्लिक के लिए कि दिल आखिर दिल है,
और वो तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो लड़की हो या बॉय गर्ल एंड ऑल, कोई भी हो, दिल टूटना नहीं चाहिए। प्यार कर रहे हो तो उसे निभाओ, चेंज मत हो, दैट्स द रीजन ना, दैट्स द रीजन। संगीत की बात, गाने कितने गाने किसने गाए हैं? गाना तीन सॉन्ग है इसमें, और एक तो बहुत ही हिट सॉन्ग होने वाला है। सारे सॉन्ग हमारे शूट हो चुके हैं, एंड कमिंग सून है जलता है जिस्म मेरा, दिस इज ऑल्सो, एंड उसमें आपको बोल भी सीन हो गया। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ही मंदिर में खड़े रहकर हम लोग आरती उतार रहे, दिस टाइप नहीं है कुछ भी, और बहुत ही अच्छा काफ़ी बोल सीन दिया हुआ है इसमें। सनी का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, और काफ़ी कुछ मसाला लेकर आ रहे हैं। कब कहाँ रिलीज करेंगे आप थिएटर? ये वेब सीरीज़ है, ये हम सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ करेंगे, जो भी बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर हम इसको रिलीज़ करेंगे। क्या कहेंगे जेनी? मैं मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे काम को पब्लिक पसंद करें, और फ्रेंड्स का प्यार और सपोर्ट चाहिए कि जब भी हम रिलीज़ पर आएँ, और हमको बहुत सारा प्यार मिले आपका, और इस मूवी के लिए भी दुआएं चाहिए। ब्लैक मिरर को आप ज़रूर देखिए, बहुत जल्दी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। सॉन्ग भी देखिए और सॉन्ग भी देखिए और इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच। सॉन्ग अभी बहुत जल्दी रिलीज पे है, अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है सॉन्ग का, बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। अभी शूट कंप्लीट नहीं हुई है, अभी जैसे शूट कंप्लीट होगी तो अगेन बैक टू बैक हम दो तीन सॉन्ग रिलीज कर देंगे। Artist from Bollywood industry. Also, I'm from medicine. I'm into modeling as well. Yes. अच्छा मैम, क्या कहेंगे आज सनी अग्रवाल जी, जो सुना होगा ट्रांसजेंडर बनी है, क्या सुना है फिल्म के बारे में? ये मूवी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स, जो ट्रांसजेंडर की एक फीलिंग होती है हर एक चीज़ में, कि उसका बचपना कैसा जाता है, बाद में जब वो यंग होती है, जब वो टीनेजर से जाके जब वो यंग होती है, तब उसके फीलिंग्स जो अंदर के होते हैं, इमोशंस जो होते हैं, उसके बारे में है। और इसमें ये दिखाया गया है कि मतलब प्यार जो होता है वो एक लड़का और लड़की के बीच में नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स। फीलिंग्स तो हर एक को भी होती है, एक जानवर को होती है, एक इंसान को होती है, एक औरत को होती है, हर एक को फीलिंग्स होते हैं। उसके बारे में तो फीलिंग्स हर किसी को होती है, जैसे इंसान, हर इंसान को, हर एक नेचर में हर एक जो दिया हुआ है, हर एक को फीलिंग होती है। और ये जो मूवी है वो इमोशन फीलिंग्स बेस है पूरा, जिसमें एक ट्रांसजेंडर की फीलिंग्स क्या होती है, उसका लाइफ क्या होता है, वो होती है। जी एक अच्छे राइटर है, डायरेक्टर है, उन्होंने लिखा है ये मूवी। जब मैंने स्टोरी सुनी, ये मूवी के बारे में सुना, तब मुझे एहसास हुआ कि यार मतलब उन्होंने जब मुझे पूछा कि वो ट्रांसजेंडर्स का प्यार क्या होता है, उनके फीलिंग्स क्या होते हैं, जब मैंने उनको बताया तब मुझे नहीं पता था वो इतनी खूबसूरती से इनके अल्फाजों में, इनके वर्ड्स में इतने अच्छे से वो उनके पेज पे उतारेंगे, और उसके बाद सब कैरेक्टर्स उस चीज़ को अपने मूवी में इतने अच्छे से उतारेंगे। रियली प्राउड, रियली हैट्स ऑफ दैट पर्सन। या शी इज़ रियली लाइक मतलब ट्रांसजेंडर का उन्होंने उसमें रोल किया हुआ है, शी इज़ रियली गुड एक्टर, लाइक उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है मूवी में, कि ट्रांसजेंडर को, कि उन्होंने जब ट्रांसजेंडर हम सबके साथ उन्होंने जब टाइम स्पेंड किया, दैट टाइम शी नोटिस्ड कि ऐसे बिहेवियर ट्रांसजेंडर के होते हैं, ऐसे फीलिंग्स होते हैं उनके, ऐसे फेस एक्सप्रेशन होते हैं। शी लर्न एवरीथिंग फ्रॉम अवर कम्युनिटी, उन्होंने बहुत सारे टाइम हमारे साथ स्पेंड किया जेनी ने, और फिर उन्होंने वो मूवी में जो है उनको उन्होंने 100 आई कैन से मोर देन 100% उन्होंने दिया हुआ है उनके मूवी के लिए। लग रहा है कि जल्दी फिल्म रिलीज हो जाए ताकि लोग देख पाए। होप सो, हाँ मतलब यस, मुझे भी देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है, उतनी मैं जितने मेरे पेरेंट्स को या फिर जितने हर किसी को, जो जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स है, जब मैंने उन्हें ये फिल्म के बारे में बताया तो उन्होंने भी यही कहा, दे ऑल आर एक्साइटेड। और सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि एक प्यार जो होता है वो एक लड़का और लड़की के बीच में नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट अस, वी ऑल्सो हैव फीलिंग, हमें भी चाहिए कि कोई हमें प्यार करे, एक्सेप्ट फैमिली, फैमिली तो प्यार करती हर किसी से, प्यार ट्रांसजेंडर लड़कों के बीच में होता है, ट्रांसजेंडर लड़कियों के बीच में भी हो सकता है, ऐसा ही सब लोगों ने हमारे फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, दे शुड टेक केयर ऑफ आवर इमोशन, वॉट वी थिंक, वॉट वी डू, दे शुड रिस्पेक्ट।